नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बिसात अभी से बिछने लगी है। बीजेपी सरकार और संगठन में खासकर गहमा गहमी का माहौल है। किसकी कहां पर और कब जरूरत है, इस पर मंथन चल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य, जी हाँ, डेप्यूटी सीएम ने अब की बार फिर से 300 पार का नारा बुलंद कर दिया है। विपक्ष भी लगातार जो सत्ता पक्ष की नाकामियां हैं उस पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। कोई भी कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही विपक्ष की तरफ से। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले होती इस हलचल से साफ हो जाता है कि आगामी चुनाव सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। तो ऐसे में किसकी क्या तैयारी है, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। लगता है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहां की सियासत एकाएक गर्मा गई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार और संगठन में कुछ चेहरों की अदला बदली हो सकती है। इसी कवायद को पूरा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और वे मंत्रियों के साथ डिप्टी सीएम से अलग अलग मुलाकात कर उनका मन टटोलने में जुटे हुए हैं। यूपी में एक बार फिर से योगी मंत्रिमंडल और बीजेपी के संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। आज लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने आज फिर वही नारा दोहराया जो उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहते हुए दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम साल 2022 में 300 से अधिक सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत प्राप्त करेंगे। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में संगठन और मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि उसी जगह पे 2017 में प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में 300 पार। इस समय यूपी की सियासत चर्चा में है कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं आईएएस एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। इसके अलावा कई मंत्रियों को भी इस बार हटाने के कयास लगाए जा रहे हैं। संगठन में भी कई नेताओं की जिम्मेदारी बदलने की बात हो रही है। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है, हलचल मची हुई है। और इस बीच डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि इस बार भी 300 पार, तो ऐसे में फिर से तैयारियां एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मद्देनजर शुरू कर दी गई हैं और बैठकों का दौर जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं वो जारी है और बैठकें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार को लेकर संगठन तक में सियासी फेरबदल की अटकलें हैं और केंद्रीय संगठन जो मंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने 1-to-1 बातचीत मुलाकातें शुरू कर दी हैं। और बीएल संतोष ने सबसे पहले जो है ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है और तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनसे मुलाकात की है, सुरेश खन्ना से मुलाकात की है, जयप्रताप सिंह से मुलाकात की है और लगातार हम देख रहे हैं मुलाकातों का दौर चल रहा है और संगठन में और सरकार में फेरबदल किए जा सकते हैं, ये बात लगातार उठ रही है। अब किसको कहां पर और किस लिए जरूरत है ये संगठन तय करेगा और उस हिसाब से सबकी प्लेसमेंट की जाएगी, वहां पर उनकी मौजूदगी दर्ज करवाई जाएगी ताकि आगामी जो चुनाव है उसमें जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके, उसकी प्राप्ति की जा सके। तो कुल मिलाकर हम लगातार ये देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में बैठकें हुई हैं। दिल्ली में जो बैठक हुई कुछ दिन पहले उसमें जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल रहे और उस बैठक के बाद में लगातार ये कयास लगाए जाते रहे कि क्या
डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अब संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन फिलहाल के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि संगठन और सरकार में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। किसके रहते हुए कौन संगठन की कमान को संभालेगा, उस संगठन को आगे लेकर जाएगा, इन चुनावों में प्रचार प्रसार करेगा, कौन सरकार की कमान संभालते हुए फ्रंट लाइन पर कौन रहेगा, इसको लेकर सिर्फ अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, एक तरह से मंथन किया जा रहा है 2022 को लेकर। अभी कुछ दिन पहले जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसके मद्देनजर भी चर्चाएं हो रही हैं कि स्थिति क्या है, कौन कितने पानी में है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर कहाँ पर स्थिति मजबूत है, कहाँ पर कमजोर है, तो ऐसे में कुल मिलाकर जो स्थिति है उसका आकलन किया जा रहा है और उस आकलन के सहारे ही 2022 का जो चुनाव होने वाला है उस पर निशाना साधा जाना है। और ऐसे में 2024 के चुनाव भी उसके मद्देनजर काफी अहम रहने वाले हैं, 2022 के चुनाव, क्योंकि दिल्ली का रास्ता कहा जाता है उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, यहां से 80 सांसद चुन कर जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है संगठन के ऊपर और सरकार के ऊपर कि वो इन 2022 के इलेक्शंस को अच्छी तरीके से लड़े, सीटें अच्छी लेकर आए और अपनी मजबूती एक बार फिर से दर्ज करवाए। तो ऐसे में बैठकें हैं, मंथन जारी है और इन मंथन के सहारे ही कहीं ना कहीं 300 सीटें पार होने का एक बार फिर से नारा बुलंद किया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। और लगातार जो हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में मौजूद हैं और लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ में बैठकें कर रहे हैं और जानने की ये कोशिश है कि आखिरकार स्थिति क्या है और उस स्थिति के सहारे ही आगे चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, उसको लेकर रणनीति तैयार करनी है। हालांकि विपक्ष भी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, कमियों को उजागर कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पहले से ही सारी तैयारियां कर लेना चाहती है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ में ही शौकत अली जी समाजवादी पार्टी से हमारे बीच हैं और इसके अलावा शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से हमारे पास मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शबनम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और बीएल संतोष हो, वो लगातार बैठकों का दौर उनकी तरफ से किया जा रहा है, लगातार बैठकें की जा रही हैं, इसके अलावा हमने देखा दिल्ली में भी बैठकें हो रही थी और अब केशव प्रसाद मौर्य बैठक के बाद में ये कह रहे हैं 300 पार। देखिए, निश्चित तौर पे जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव आने के पहले या अपने कार्यकाल के दौरान में बार बार इस बात की समीक्षा करती है कि उनकी सरकार कैसे चल रही है, उनके पार्टी संगठन कैसे चल रहा है, इसकी समीक्षा होती है और इसकी समीक्षा राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ नेता जो हैं वो आके प्रदेशों में करते हैं। ये एक आम सी बात है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आए हैं और लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम मंत्रियों से मिलकर सरकार के कामकाज, उनके विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। साथ साथ जो इस कोरोना संक्रमण के दौरान में सरकार और संगठन द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या कार्य किया गया उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं और इसके साथ साथ आने वाले आगामी चुनाव में किस तरीके से संगठन क्या काम करेगा और संगठन में कौन रहेगा और सरकार में कौन रहेगा, इन सब चीजों पे समीक्षा हो रही है, बातचीत हो रही है और इन बातचीत और समीक्षा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसे सामान्य प्रक्रिया समझा जाए। लेकिन सभी प्रदेशों में राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टी होती है खासकर भाजपा में ये एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे नेतागण होते हैं वो प्रदेशों में जाके प्रदेश प्रभारी जो होते हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन जी, श्री राधा मोहन जी हमारे प्रभारी भी मंत्री हैं यहाँ के, तो वो आए हैं और साथ में राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीएल संतोष जी आकर सभी मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और डिप्टी सीएम से उन्होंने बात किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी से बात किया है, हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष
और संगठन मंत्री महामंत्री जो यहाँ पे हमारे सुनील बंसल जी हैं उनसे बात किए। सबसे बातचीत का दौर चल रहा है और सारे सारी समीक्षा की जा रही है, बारीकियों से हर बात को वो सुन रहे हैं और उसके बाद किस तरह का फेरबदल होना है, किस तरह का कार्य धरातल पर होना है, सरकार के कार्यों में क्या गति है और उस गति को किस तरीके से और अच्छी बनाई जा सकती है, तेजी लाई जा सकती है, संगठन में किस तरीके का काम हो रहा है, कोरोना संक्रमण के दौरान और क्या करने की जरूरत है, इन सब बातों पे वो बातचीत चल रही है और बैठक काफी सफल रहा है। इसकी चर्चा सरकार के अंदर होनी चाहिए, संगठन से इसका कोई ज्यादा लेना देना होना नहीं चाहिए। खैर शौकत अली जी, ठीक है, आता हूँ आपके पास। शबनम जी पूरी बात रखिएगा, आता हूँ। शौकत अली जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरुआत कर दी है और ऐसे में जब ये शुरुआत हो चली है तो फिर आप कब तैयारी करेंगे, आपकी तैयारियां कहां पर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, मैं विवेक हूं, आपने अगर लाइन पे जी विवेक जी, विवेक जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, माफ कीजिएगा अगर मैंने गलत नाम पढ़ दिया। विवेक जी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर रही है, आप तैयारी कब करेंगे? देखिए मैं आपको पहले तो कुछ आंकड़े बता दूं, तैयारियां अगर जानना हमारी 3222 बीपीएड जूनियर शिक्षक भर्ती पेंडिंग, 2486 एसआई दरोगा प्रशिक्षण लेकर के एक साल का घर बैठे हैं पेंडिंग, 12460 शिक्षक भर्ती पेंडिंग, 69000 शिक्षक भर्ती पेंडिंग, भ्रष्टाचार अलग हो गया, 29000 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती पेंडिंग, 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती पेंडिंग, 680 युवा कल्याण, 48 व्यायाम शिक्षक, 728 कुल पेंडिंग, मतलब आसपास 1.25 लाख के आसपास का आंकड़ा, 3.5 लाख रोजगार में 1.25 लाख आप खत्म कर दीजिए पहले। ये वो युवा है जो आज भी अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं इस सरकार से। इसमें कुछ भर्तियां समाजवादी सरकार के समय आई, उस पर इन्होंने रोक लगा दी और उसकी जांच करवाई, जांच में सब कुछ तथ्य प्रामाणिकता के साथ सही पाए जाने पर भी भर्तियां नहीं हुई। ठीक, इस प्रकार से आप अगर हमसे तैयारी की बात करेंगे तो हम आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए हमारी तैयारियां किस युद्ध स्तर पे है, युवा हमसे किस स्तर पे जुड़ा हुआ है, और युवा ये वो युवा है जो इनके पास नौकरी मांगने गए तो उसके बदले इनको प्रसाद के रूप में महंत जी ने लाठियां दिलवाई पुलिस वालों से, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे जो आपने नहीं, तो सरकार की अगर इसमें कमी रही है तो युवा आपके साथ जुड़ गए हैं, ऐसा आपने क्या कर दिया है जो युवा आपके साथ आप मान रहे हैं, ये भी तो समझाइए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनकी आवाज लगातार हम उठा रहे हैं, इनकी आवाज लगातार हम मांग कर रहे हैं सरकार से। आज अगर आप ट्विटर पे हैंडल पे चेक करवाएंगे तो आज UPPRT 1.25 लाख से ऊपर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन वी लव योगी, वी लव मोदी, मोदी इज प्राइड, योगी इज प्राइड पे बात जरूर होती है। आप जमीनी हकीकत के मुद्दों से भटका करके राजनीति नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो पूछा संगठन, तो योगी जी कितने अनुभवहीनता के प्रमाणित परिचायक हैं उसका संगठन इनका बखूबी जानता है, हालांकि वो भाजपा का आंतरिक मामला, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा आज इनके सतीश द्विवेदी जी की एक और 9 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो गया है। कोविड काल में अलग अलग जिलों में आवंटित राशियां जो कि स्कूलों के लिए गई थी उनको विभिन्न माध्यम से निकाला गया जब स्कूल बंद चल रहे थे। तो आप इनके 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 संगठन में मंथन की बड़ी आवश्यकता है, देखिए, क्योंकि चार साल की सरकार में इनकी कार्यप्रणाली जो है उत्तर प्रदेश को विकास के गर्त पे ले गई है, वो पूरे मीडिया ने देखा है, सबने देखा है। और जो राजनीतिक परिपक्वता होती है वो अगर बखूबी देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे हम विपक्ष में है, हम कुछ भी कहेंगे तो देखिए उसको आरोपों की नजर से लिया जाएगा। तो राजनीतिक परिपक्वता तो समझदार है सभी लोग, आप ही के मीडिया के कई लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, डिबेट हो रही है। अगर योगी जी इतने मजबूत और इतने सही होते हैं तो अभी कुछ दिन पहले जिस तरह की भाषा उन्होंने मीडिया के लिए इस्तेमाल की थी उसी तरह वो ब्यूरोक्रेसी को भी संबोधित करते हैं, उसमें गलत क्या है, जो गोया वही काट रहा है आज ये प्रदेश। तो भाई आप अपने आप को मजबूत स्थिति में देख पा रहे हैं 2022 के मद्देनजर? ये तो आपको चुनाव के नतीजे बता देंगे, ठीक है, अभी कुछ नहीं कहेंगे, चलिए ठीक है, बता देंगे, ठीक है। पंकज जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, 300 पार का नारा बुलंद कर दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने और लगातार बैठकें हो रही है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। देखिए भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसका एक अपना एक कैडर है और बहुत मजबूत कैडर है,
और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कहीं से नहीं थी, उत्तर पूर्व राज्यों में, और वहाँ 25 लोकसभा सीटें आती हैं, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, सिक्किम, ये सब तमाम, ये सब बंगाल में जहाँ जाए वो सब वो नहीं, सुनिए पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। तो वो वहाँ पर देखिए वो 15-20 साल उन्होंने अभ्यास किया, मतलब वहाँ अपना संगठन को मजबूत किया, और उसका नतीजा है कि वहाँ के प्रदेशों में क्या, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आसाम में पुनर्वापसी हुई। अब रहा सवाल जो अभी विवेक जी बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में 30 साल कांग्रेस का शासन रहा, 34 साल सीपीएम का शासन, एक मिनट उत्तर प्रदेश में, एक मिनट बता रहे हैं बतौर उदाहरण, उसके बाद आप समझिए बंगाल में, बंगाल में जिस तरह का, बंगाल में 3 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 77 पे गई, और 200 का नारा उन्होंने दिया, आपकी बार 200 पर, लेकिन यह है कि 77 सीटें उसने हासिल की, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई ग्राफ नहीं था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, मैं पहले से कहता रहा हूं, और ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत आजकल मीटिंग चल रही है। बीएल संतोष जो कि उत्तर प्रदेश जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो लखनऊ आए हुए हैं, वो सारे मिनिस्टर से मिल रहे हैं, सारे एमएलए से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अगले महीने से अभी अमित शाह जी और नड्डा जी हर महीने लखनऊ आएंगे और लगातार क्या नाम कार्यकर्ताओं से और विधायकों से मिलेंगे। अब सवाल ये है कि देखिए अभी अरविंद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आपको नहीं लगता है कि चुनावी खुमार से बाहर आती ही नहीं है कभी? नहीं देखिए ये एक संगठन बेस्ड पार्टी है और इनका एक अपना आधार, इसीलिए नहीं संगठन का मजबूती आप देख लीजिए कि 1% वोट इनको वहां मिलता था केरल में, आज 12.5% वोट पाए। और देखिए जो क्षेत्रीय दल है, इसकी बात नहीं, जो क्षेत्रीय दल है, ये जो चुनावी लोकतंत्र खड़ा किया जा रहा है, वो क्षेत्रीय दल खाली एक प्रदेश को पकड़ के बैठे रहते हैं, कहीं अपना व्यापक प्रसार नहीं करते, भाई हांकना तो छोड़ दीजिए, वो अपने व्यापक प्रसार नहीं करते। समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ने अपना व्यापक प्रसार नहीं किया। समाजवादी पार्टी आज 36 सांसद देने वाली पार्टी थी, और समाजवादी पार्टी के आज कितने सांसद रह गए? समाजवादी पार्टी को अपना प्रसार करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी बहुत पुराना दल है उत्तर प्रदेश का, दलों की जरूरत है, लेकिन हमको राष्ट्रीय, हर दल राष्ट्रीय दल हो जाए ये जरूरी नहीं, नहीं है, हमको छत्रपुर कोई भी जरूरत उससे है। देखिए अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष भी एकदम निरंकुश हो जाता है, इसलिए विपक्ष का रहना भी बहुत जरूरी, सशक्त विपक्ष भी भारतीय जनमानस के लिए बहुत आवश्यक है। इसका जरूरी मतलब तो नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पे हो, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, सशक्त विपक्ष का भी होना जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव आसन्न विधानसभा के, और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनी तो 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए बहुत संकट की स्थिति आ जाएगी। इसलिए देखिए फुल प्रूफ तरीके से और जिस तरह से तैयारी का दौर चल रहा है, और जैसा कि बताया जा रहा है भाजपा सूत्रों के अनुसार कि केशव प्रसाद मौर्य जी को डिप्टी सीएम के अतिरिक्त उनको जो है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का भी प्रभार दिया जा रहा है, और उन्होंने खुद भी कहा है कि पिछली बार उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और 300 पार उन्होंने सीटें दिलाई थी। लेकिन पिछली बार के और इस चुनाव में फर्क इतना है, क्योंकि पिछली बार नए नए वादे थे, इस बार उन वादों पर जवाब भी देना है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजों पे देखिए बहुत से नए तरीके की चीजें हुई, नए तरीके के काम हुए, राम मंदिर का निर्माण 490-500 सालों से चल रहा था, वो बीजेपी ने किया, वो भी हिंदुओं की आस्था के नहीं किया, वो सरकार, वो बीजेपी के प्रयास से हुआ, उसमें नहीं, वो उसमें कहीं ना कहीं प्रयास रहा, वो अदालत का, ठीक है अदालत का फैसला था, अदालत ने फैसला किया है। सवाल ये है कि देखिए अगर ये कहती है कि हमने करवाया है, और रहा सवाल रोजगार की बात करिए, सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी के अतिरिक्त आप अभी देखिए 2018-19 में रोजगार मिले के बंपर आयोजन किए गए, श्रम मंत्रालय स्वामी प्रसाद मौर्य के अधीन आता है, जिसमें तमाम प्राइवेट जगह नौकरियां थी। कोरोना से पहले, तो ये कोरोना से पहले इस प्रदेश के अंदर पहले 21 लाख लोग बेरोजगार थे जब छोड़कर गई समाजवादी पार्टी, और फिर 3 साल में हमने देखा, कोरोना से पहले की परिस्थितियों का आकलन कर रहा हूं तब बता रहा हूं, 35 लाख हो गए बिल्कुल। तो जब हमारे पास बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई तो फिर ये सरकार किस बात का ढिंडोरा पीटती है कि हमने रोजगार दे दिया, रोजगार बांट दिया, फिर लाकर एक आंकड़ा भी रख दिया कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार भी बांट दिया सरकार, और आधे लोग घर पर भी बैठे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही, देखिए सरकार, हर सरकार की एक योजना होती है, हर सरकार अपना एजेंडा चलाती, कोई सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, हर सरकार का एक तय एजेंडा, उसी के तहत वो कार्य करती है। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का तय एजेंडा है कि सबको आत्मनिर्भर बनाइए, सब मतलब नौकरी के साथ साथ ज्यादातर लोगों को सेल्फ मतलब आत्मनिर्भर बनाइए कि वो अपना स्वरोजगार कर सके, अपना धनार्जन कर सके, और अपने जीवन को बहुत उत्तरोत्तर तरीके से आगे ले जा सके, ये उनका एक अलग एजेंडा है। और उसी के तहत देखिए उन्होंने मुद्रा लोन बांटे,
8% में विदाउट कोलेटरल लोन दिए कि लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता है और लोगों को इजीली लोन मिले, इस तरह की फुल प्रूफ तैयारी की। तो उन्होंने इस बात पे भी फोकस किया, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और लोन बहुत लोगों को दिए गए, ये बात नहीं। ये नारा लगा देना कि हम आत्मनिर्भर बन जाइए जी, आत्मनिर्भर क्या ये देश पहले से नहीं था क्या? ये आत्मनिर्भर कौन सा आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान में युवाओं की तादाद बहुत जबरदस्त है, ये बात आप निश्चित समझ लीजिए। युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है और शिक्षित लोग भी काफी हैं, और तमाम शिक्षित बेरोजगार आज हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ी तादाद में है, और उनको उनकी नौकरी और उनको, लेकिन दिक्कत क्या है कि सबको सरकारी नौकरी में ही अपना वो दिखाई दे, आत्मसात करना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है। लेकिन सरकार को चाहिए, जैसा कि अभी विवेक जी बता रहे थे, कि तमाम चीजें और इस तरह की सरकारी जो चीजें पेंडिंग है उस पे तत्काल भर्ती होनी चाहिए, और लोगों को लेटर जारी करने चाहिए और उनके ऊपर भर्ती लोगों को करके उसको शबनम जी किया जाना चाहिए, समस्या को खत्म करना चाहिए। ठीक है शबनम जी, रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। ठीक है शबनम जी, देखिए कभी तो पार्टी लगे, ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव का जिक्र नहीं कर रही है। वो तो हर समय लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की ही तैयारियां करती रहती है, कभी यहाँ के चुनाव, कभी यहाँ के चुनाव, कभी वहां के चुनाव, और इन चुनाव में ही सारी व्यवस्था को चुनाव में ही फंसा दिया है। ये कैसी व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं, ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर सिर्फ चुनाव का ही जिक्र होता है? हम एक दो महीने शांत बैठते हैं, फिर से चुनाव का जिक्र। अब उत्तर प्रदेश चुनाव करवा लीजिए, अभी देवभूमि में भी चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में वहां भी चुनाव करवा लीजिए, चुनाव तो होते रहेंगे। ये तैयारियां की जा रही हैं, चुनाव में पूरा फोकस किया जा रहा है, क्या व्यवस्था पर उतना फोकस किया जाता है क्या? शबनम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है शबनम जी? चलिए ठीक है, विवेक जी आपके पास आना चाहूंगा। विवेक जी, क्या खुमारी उतर नहीं रही है? अभी बंगाल के चुनाव हुए और 5 राज्यों में और चुनाव हुए, अब फिर हम देख रहे हैं, उससे पहले बिहार में चुनाव हुआ था, और अब हम फिर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, तो अब मैं वही है कि करना नहीं चाहता, लेकिन बंगाल चुनाव का जो उदाहरण हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने दिया, जिस तरीके से जो फायर ब्रांड हमारे गए थे प्रचार करने, जिन सीटों पर इन्होंने प्रचार किया, वहीं के सबसे बड़े पत्रकार का कहना है कि वो सारी सीटें वहां पे भाजपा हारी है, और जिन सीटों को ये गिनवाते हैं उसमें मात्र 3 सीट भाजपा के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, बाकी सब टीएमसी दूसरे दलों के नेता जो की भाजपा ज्वाइन करके गए। सुन लीजिए, प्रमाणित कर दूंगा, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। जो सत्य आप लोग स्वीकार ही नहीं करते, यही समस्या। और आपने क्या कहा, अपनी बात को कहिए, तंज मत कसिए, अपनी बात को रखिए, आप बोलिए। मैं कहूँ जी, बोलिए बोलिए जी। और रही बात, देखिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताऊं, सरकारों का इतिहास रहा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार को बहुमत नहीं मिला, चाहे वो किसी राज्य की हो रहे हो। यहाँ पे बात है, मैंने अभी आपके सामने एक आंकड़े रखे हैं, ठीक। आपने 3.5 लाख रोजगार अभी तक गिनवाए हैं, मैंने उसमें आपको कम से कम 1.25 लाख का आंकड़ा अभी दे दिया कि ये माइनस कर लीजिए आप, और मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा, इन बच्चों के नंबर देता हूँ, आप चाहे तो लाइव जोड़ लीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है, आप मुद्दों पे आप चुनाव में कभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, और इस बार के मुद्दे जो हैं, आपने पूछा ना विपक्ष की मजबूती क्या, मेरे पास मजबूती नहीं होती तो ये आंकड़े कहां से होते मेरे पास। हाँ, रही बात इनके पार्टी तो के अंदर सत्ता पक्ष की कमजोरी आपकी ताकत है क्या? नहीं, हमारे पास जमीनी तो फिर मुद्दे, सत्ता पक्ष ने अगर रोजगार नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि ये देखिए हमारी मजबूती, आपने अभी 1.25 लाख जो है लोगों का गिनवा दिया आंकड़ा, आपने कहा ये देखिए हमारी मजबूती, मैं तो प्रमाणित करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि क्या वही तो सत्ता पक्ष की कमजोरी आपकी ताकत है क्या? सत्ता पक्ष की कमजोरी कभी किसी पार्टी की ताकत नहीं होती, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मत रहता है, ठीक है। तो फिर आपकी ताकत बेसिकली है क्या? मैं बता रहा हूँ, सत्ता पक्ष की कमजोरी हमेशा और हमेशा वो जमीनी हकीकत होती है, जिस जमीनी मजबूती के वायदों के आधार पे जनता इनको चुन के लाती है। इस बात को बखूबी समझिएगा, और मैं समझता हूँ तभी ये वक्तव्य मैं आपको दे रहा हूँ। जनता ने इनको जिन मुद्दों पे वोट दिया था, उस मुद्दों पे जब ये सरकार फेल होगी तो वो वोट कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड होना ही होना है, वो चाहे मेरे पास हो चाहे किसी और दल के पास हो। लेकिन अगर इनके अपवाद में विकल्प, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे पहला कोई है तो समाजवादी पार्टी थी, है और रहेगी। हम आगे दूसरे राज्यों में बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं पता, आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ, जरूरी नहीं कि हर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन राज्य स्तरीय विकल्प अगर कोई है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ही है,
क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्य जमीनी स्तर पे लोगों ने देखे हैं। अगर हम सरकार में रह गए होते तो शायद, अगर आपके काम देखे तो फिर योगी सरकार थोड़ी ना आ जाती। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी ना बन जाती। लेकिन चलिए ठीक है, उस वक्त जनता का फैसला जो भी रहा वो हम सबने स्वीकारा, सरकार चली, अब फिर से चुनाव की बारी आ गई है। तो आप ऐसा क्या जनता के लिए नया लेकर आ रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी को ना चुनकर आपको जनता विकल्प के तौर पर देखे? आप क्या ऐसा लेकर आ रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी में ना हो, आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरेगी उसमें ना हो, लेकिन आपको चुना जाए, ऐसा आप क्या लेकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? अगर मैं बात करूं चुनाव में, अगर आप सामने खड़े हो रहे हैं तो प्रचार शुरू होने दीजिए। जो इनका मैनिफेस्टो था वो हो सकता है कि वही मैनिफेस्टो हमारा भी बन जाए। भाई इन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं है। मैं तो आपको एक इशारा दे रहा हूँ, मैं अभी कोई बात अपने मुंह से नहीं कह रहा क्योंकि मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ कि प्रचार शुरू हो जाए। जरा चुनाव नजदीक आने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए, जरा सरकार को एक बार आने दीजिए प्रचार के उसमें, मंच पे बात होगी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ ये कैसे कह देते हैं आपकी सरकार के लिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कुछ काम नहीं हुआ, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कहते कुछ काम नहीं हुआ, ये कौन सा ट्रेंड है? कुछ काम तो हुआ ही है, हम सबको तो दिख ही रहा है, ऐसा नहीं है कुछ काम नहीं हुआ। ये कह देना तो गलत है ना पूरी तरीके से। कुछ काम तो हर सरकार करके जाती है, कितनी भी नाकारा हो। जो काम इस सरकार में हुआ वो काम किसी सरकारों में नहीं हुआ। मैं आपको जिम्मेदारी पे बोलता हूँ एक प्रवक्ता के माध्यम से। जी बताइए, जो काम इन सरकारों में हो गया, 7000 में कभी शमशान में लकड़ियां नहीं बिकी, 14000-20000 तक एम्बुलेंस में कभी पैसे नहीं वसूले। आपदा को क्यों बोल रहे हैं? आपदा का समय है ना, आपदा ने अवसर दे दिया है आपको क्या? तो ठीक है, तो 9 करोड़ रुपए कहाँ चले गए बताइए? सतीश द्विवेदी का आज एक और भ्रष्टाचार निकला है, पूछे 9 करोड़ रुपए क्यों निकाले? ये सवाल है। और शबनम जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताइएगा इसका जवाब। जी बताइए क्या पूछ रहे हैं? मैं ये, मुझे आगे ये, की ये, ये कहा जा रहा है कि एक और अब निकलकर भ्रष्टाचार सामने आ गया है और लगातार सरकार में भ्रष्टाचार होते चले जा रहे हैं। विद्युत विभाग का देख लीजिए आप, शिक्षा विभाग में भी एक बार बेसिक शिक्षा मंत्री एक बार फिर से जो है सवालों के घेरे में है। देखिए मानशु जी, एक बात तो साफ है कि चाहे वो कोरोना काल रहा है या साधारण समय रहा हो, हर वक्त विपक्ष ने बस एक ही ये किया कि झूठे आरोप लगाने का काम किया। अगर देखा जाए तो हम तमाम काम जब धरातल पर उतरते हैं और जनता जब उसकी वाहवाही करते हैं तो ये कहते हैं कि ये काम तो हमने शुरू किया था। शुरू करके आधे अधूरे काम करके छोड़ देना इनकी फितरत थी। बस जनता को ये बताना कि हमने ये योजना बना देना और योजना को शिथिल छोड़ देना, ये दोनों चीजों में बहुत ही अंतर है। योजना बनाकर योजना को कंप्लीट करना सरकार का काम होता है, पर तो चाहे नेशनल पार्टी में धन आवंटित कर दिया गया, बच्चे हैं नहीं, पता नहीं कौन खाना खा रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर इसकी जो मॉनिटरिंग जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे ऊपर तो आप बैठे हैं, आपसे बड़ा तो कोई इस प्रदेश में नहीं है, तो ऐसे में आपकी नाक के नीचे अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार जिम्मेदारी तो लेगी ना इस चीज की, वो कहां छुप सकती है इससे? देखिए सरकार ने हर एक भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की है लगातार इन 4 सालों में। हमने जनता ने इस बात को अच्छी तरीके से देखा है, तमाम माफियाओं पे, तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों पे, जो कोई भी भ्रष्टाचार करते पकड़ा गया, जिस दौरान भी सरकार ने किसी को बख्शा नहीं है। पर इस पर भी आंसू बहाना विपक्ष ने शुरू किया कि माफियाओं को क्यों मारा, ये तो इस जाति का है, ये तो इस धर्म का है, और अगर किसी पे कार्रवाई होती है तो सबसे पहली उंगली यही शुरू खड़ा करते हैं। और हम चाहे किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार हो या हुआ है हो पहले, हमने कभी भी किसी भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दिया। लगातार उस भ्रष्टाचार में कहीं भी कुछ गड़बड़ी है उसकी जांच की और जो भी दोषी पाया गया उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। और शायद यही पारदर्शिता और ईमानदारी जनता को लुभा रही है। जनता लगातार इस बात को समझ रही है कि यही एक ऐसी सरकार है जिसके रहते माफियाओं का दौर खत्म होगा, घोटालेबाजों का दौर खत्म होगा। बस इतने से बात बन जाएगी और आप चुनाव जीत जाएंगे। नहीं देखिए, हमने धरातल पर लोगों को तमाम सुविधाएं दी हैं। अगर देखा जाए तो जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहे हैं उनको आवास दिया है, गैस कनेक्शन दिया है, गांव-गांव तक हमने घर-घर तक बिजली पहुंचाई है, जल पहुंचाने का काम जारी है।
इन्होंने एक आधा अधूरा एक्सप्रेसवे बनाया था, हम तो चार चार एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। इन्होंने मेट्रो अधूरा बनाया, बगैर मेट्रो स्टेशन के मेट्रो बना के रख दिया। हमने उसके स्टेशन बनाए लखनऊ में, सारे मेट्रो के हमने स्टेशन बनाए, हमने तमाम और जिलों में मेट्रो की सुविधा शुरू कर दी है। तो अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश आप देखिए तो चौतरफा किया है। उत्तर प्रदेश की एक स्मार्ट सिटी बताइए, 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे आप लोग, देखिए उसका भी काम जारी है। अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेजेस खोला हमने, डिग्री कॉलेजेस खोले हैं हमने, एम्स खोला है, तमाम ऐसे काम हमने पूरे करके धरातल पर रखे हैं। और केंद्रीय स्तर पे खोला जाता है, उसमें आपकी क्या भूमिका है, मैं ये नहीं जो, समझ पा रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार है, चलिए ठीक है। जी शबनम जी, रखिए अपनी बात। नहीं, हमने देखिए हर क्षेत्र में बहुत विकास किया है, चाहे मेडिकल कॉलेज का देखिए, इनके समय में तीन तीन चार चार ही कॉलेजेस विश्वविद्यालय बन के रुक गए, हमने 27 बनाए हैं। अगर रोड का देखिए तो रोड का विकास किया, तमाम जगहों पे हमने एक्सप्रेसवे बनाने का काम, चार एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है। आप जिस भी क्षेत्र में देखिए, चाहे विवेक जी जिस भी क्षेत्र में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, बहुत सारे काम जो है शबनम जी ने गिनवा दिए हैं। अब बताइए विवेक जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। विवेक जी, शबनम जी ने बहुत सारे चीजें गिनवाई हैं, विकास के काम गिनवाए हैं जो सरकार ने पिछले सालों में किए हैं, सरकार में आने के बाद में किए हैं, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी काम नहीं किया है, उसका जवाब शबनम जी ने दे दिया। उत्तर प्रदेश में आज तक के इतिहास में जो काम हुआ इसी चार साल में हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इनकी बात को सहमति दे रहा हूँ, मैं कहाँ इंपोज कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि उत्तर प्रदेश में आज तक इस चार साल के पहले ना गाँव में लाइट थी, ना बिजली था, ना पानी थी, ना सड़कें थी, सारा काम इस चार साल में हुआ। और उत्तर प्रदेश में घाटों पे लाशें भी नहीं थी, कोविड के नाम पे इस तरह से भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल ये सब मंच की बातें हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो मुद्दे की बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मंथन वाली बात आपने की थी, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए जनता बखूबी जानती है कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम कर चुका। अगर काम ये कर रहे होते तो इनको प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास इनको नहीं करना पड़ता। और रही बात, अभी तो मैंने इनको एक आंकड़ों के बेस पे ही केवल इनको आईना दिखाया है, अभी ऐसे बहुत सारे आईने इनको देखने हैं, चुनाव आने दीजिए, बहुत सारे आईने दिखाए। ठीक है, ये पंचायत चुनाव जो हुए हैं इसने आपको थोड़ी शक्ति दी है क्या? आपको लगता है कि हम थोड़े मजबूत हैं? गांव क्षेत्र में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, क्या यही वजह है कि आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे 2022 में? नहीं, मैं आप बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बता दूं, और ये मैं हमेशा कहता हूं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी का किसान और युवा था, है और रहेगा। और अभी तो मैंने आपको कहा ना एक आईना, उस आईने का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, आप इसी से समझ लीजिए कि वायु का वेग जब चलता है तो सुनामी आती है। और ये तो युवाओं के भविष्य के साथ रोजगार के नाम पे खिलवाड़ किया है, ये वो परीक्षाएं हैं जिनमें पैसे वसूल लिए हैं लेकिन नियुक्ति पत्र न दी, न जांच के नाम पे भर्तियों को लटका दिया गया है। तो एजेंडा हमारे पास भी है, लेकिन वही है कि नजदीक आने दीजिए, सबके संदूक के ताले खुलेंगे तो अल्लाह दिन का चिराग सामने आएगा नजर। पंकज जी, संदूक के ताले खुलने बाकी हैं अभी, बताएं तो क्या लग रहा है आपको? मतलब इधर एक दावे किए जा रहे हैं कि विकास की हमने जो है इमारत खड़ी कर दी है, इधर दूसरी तरफ जो है नाकामियों की इमारत भी खड़ी कर दी है विपक्ष ने, तो ऐसे में जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है डिसाइड कर पाना, वो जाए तो जाए किधर। राहुल जी, एक सवाल इस मंच के माध्यम से, UPSSC की इस सरकार में किसी एक भर्ती को बता दीजिए, मात्र एक भर्ती मात्र बता दीजिए UPSSC की सरकार। ठीक है पंकज जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक, हमने शुरू में ही कहा कि एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और जब जब जैसे कल्याण सिंह का शासन ले लीजिए, चाहे राजनाथ जी का शासन ले लीजिए मुख्यमंत्रित्व काल, अब चाहे योगी आदित्यनाथ जी का ले लीजिए, लेकिन यह है कि जात पात के नाम पे और जिस तरह से कई वर्षों तक, कई 10-15 साल ये दौर चला और सबने सत्ता हासिल की और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही, लेकिन इस बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों से ऊपर सत्ता में आई और उसने जो जनमानस को जो जिस जैसा कहा था वो बहुत सी चीज़ों पे वो खरी भी उतरी है। ऐसा नहीं है, अगर आप ये कहिए कि नहीं सरकार ने कोई काम नहीं किया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये कहना गलत है। में थोड़ा डगमगा बस कोरोना काल की बात अगर आप छोड़ दें तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो, चाहे MSP
पे खरीद की बात हो तो ये सब चीजों पे ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, चाहे अस्पतालों का प्रबंधन हो, जिस तरह से कोरोना काल में प्रबंधन सुदृढ़ तरीके से किया गया और जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव थे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उसके बाद नेगेटिव हुए और कोरोना काल में सरकार ने जो काम किया, देखिए एक बात लग नहीं रहा था आप ये अगर जैसे मैं बताता हूँ छोटा सा उदाहरण बताइए कि जैसे अभी मंथन चल रहा है 2022 के चुनाव के मद्देनजर, अगर यही मंथन कोरोना को लेकर पहले से चल रहा होता तो उत्तर प्रदेश के ना हालात ऐसे होते ना तमाम राज्यों में ऐसे हालात। आपदा जो आती है वो कह के नहीं आती है और उसका पूर्वांकलन कोई सरकार या कोई भी नहीं कर सकता है, पूरे कोई राज्यों में फूल इस तरह की किसी भी राज्यों में जब उसकी तैयारी नहीं थी। और यहाँ पर केसेस बढ़ रहे थे, इतना बड़ा राज्य है, मुख्यमंत्री जी और बंगाल में रैलियां नहीं कर रहे थे, क्या ये सच नहीं है? क्या झूठ कह रहा हूं मैं? लेकिन उत्तर प्रदेश में वो बराबर उत्तर प्रदेश में बराबर कम में चुनाव है, नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में वो बराबर कमांड बनाए हुए थे, अब उस समय चुनाव चल रहा था बंगाल में, वो बंगाल भी जाते थे, उत्तर प्रदेश में बनाए हुए थे, क्या जरूरी था बंगाल जाना? ये समझिए क्या जरूरी था बंगाल जाना? कोई भी दल का नेता ने यहाँ के लिए आपको सौंपा है जिम्मेदारी और आप बंगाल में चुनावी रैलियां करेंगे? यहाँ के लिए भी वो लगे हुए थे ऐसा ये कहना बिल्कुल गलत है कि नहीं लगे। और अगर मैं ये कहूँ बंगाल जाकर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए जिसके बाद उनके काम पर असर पड़ा, नहीं तो फिर जनता ने आपको इसलिए चुना है? योगी दूसरे राज्यों में चुनावी रैली करिए फिर पॉजिटिव हो जाइए और घर पर बैठ जाइए। योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी घर से सारी तैयारियों का जायजा ले रहे थे और सारा कार्य कर रहे थे, उसके बाद वो कोरोना नेगेटिव हुए, उसके बाद वो सारे प्रदेशों का दौरा करने लगे, गांव-गांव गए, सब गए, तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश में सरकार की ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, सब कुछ लगाए, और ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस बात का जिक्र किया कि पांच जिलों में आप लॉकडाउन लगा दीजिए, तब नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? आपकी जिद थी। सरकार सिर्फ वो करना चाहती है जो वो चाहे, कोई दूसरा अगर कह दे, भले वो सजेशन दे रहा हो तो सरकार नहीं करेगी। वो सजेशन है जिस तरह से हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि आप जो है सब तरह के इस तरह की तैयारी करें, ये आपके कोरोना प्रबंधन में अस्पताल की और तमाम तरह की तैयारी करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक एक निर्देश जारी किया कि ये सुझाव समझा जाए, हाईकोर्ट के आदेश को एक सुझाव समझा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार इस सुझाव के रूप में उसको अमल करे और तमाम चीजों का इंतजाम करे। तो उस तरह से अगर आप देखें तो हर काम तो वहीं किया, नहीं तो हर जिलों में सीधे पकड़ लेते, घुमाकर पकड़ने की क्या जरूरत थी? देखिए इंतजाम किया गया, हर तरह से हुआ। और पूर्व में भी, अभी मैं पूर्व में भी आपके यहाँ बहस में ये बात कह चुका हूँ कि जिस तरह से 2015 और 2016 में जो मौतों का आंकड़ा प्रयागराज में था और प्रिंट मीडिया के बड़े न्यूज़पेपर्स ने उसको दिखाया था, तो वो चीज को आज दिखाया जा रहा, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ। और सवाल ये, नदी में शव तैर रहे थे उसका जिक्र ही नहीं है। मैं तो इस बात का जिक्र कर रहा हूँ जब यहाँ पर त्राहिमाम जनता कर रही थी तब सरकार कहाँ चली गई थी? वो तो जाकर बंगाल में चुनावी रैलियां कर रही थी। अभी आपके घर में कोई आपदा आ जाए, आपके घर में अगर दो लैट्रिन बाथरूम है और 10 लोग क्या नाम है, आपदा आई है, ये आपदा कल आई है, आपदा से ग्रस्त हो जाए तो आपको भी दिक्कत आएगी। तो वही आपदा, ये आपदा कल तो नहीं आई है, 100 बेड का इंतजाम, 1,000 पेशेंट आने लगे। पिछले सवा साल से देश कोरोना की मार झेल रहा है, सवा साल से। हिमांशु जी, जनवरी में कोरोना से जिस तरह से निजात हो गई थी और लोगों ने वैक्सीन लगाना तक छोड़ दिया, सरकार लापरवाह हो गई थी। नहीं नहीं, उसका नतीजा सरकार लापरवाह थी। 50-50 लाख सरकार लापरवाह थी, 50-50 लाख वैक्सीन बर्बाद हो गई थी। लेकिन सरकार सरकार ने जो तैयारी अस्पतालों में और जितने संसाधन थे उतने कर रखे थे, लेकिन इतनी उम्मीद सरकार को भी नहीं थी किसी राज्य सरकार, सरकार को होती कैसे? वो चुनाव में व्यस्त थी ना, होती कैसे? किसी, अरे क्या बात कर रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे थे उनकी बात कर लीजिए, वहाँ भी ऐसी तैयारी थी। मैं कह रहा हूँ यहाँ के जिनमें नहीं हो रहे थे वहाँ के लोग जाकर चुनावी राज्यों में भाषणबाजी कर रहे थे। सवाल ये, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं वहाँ भी इस तरह की स्थिति थी, लेकिन ये किसी को इतना अनुमान नहीं था कि दूसरी कोरोना की दूसरी लहर इतनी विपदा बनके, इतनी आपदा बनके आएगी कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत भयानक स्थिति रही। और उसके बाद जो जिस तरह से प्रबंधन, अब देखिए फरवरी में बजट में जितने लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, का बजट दिया गया है, जितने लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर मंत्रिमंडल उनका पूरा, कोई भी नेता क्या उनकी आंख में आंख डालकर ये कह सकता है हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया? क्या कोई भी एक नेता किसी के अंदर इतनी हिम्मत बची है इस प्रदेश के अंदर कि कोई भी नेता अपने यहाँ के एक भी नागरिक को ये कह दे कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है और इसी वजह से आपका जो अपना था वो मर गया?
ऑक्सीजन की वजह से, बेड ना मिल पाने की वजह से, या फिर तमाम रेमडेसिविर की कमी से, या फिर कैसे भी कमी से? सरकारी तंत्र जिस तरह से चलता है, सरकारी तंत्र में स्वास्थ्य के ऊपर स्वास्थ्य की अनदेखी विगत वर्षों से अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा होती रही। इसीलिए फरवरी में 238 करोड़ का बजट 141% के वृद्धि के साथ पूरे राज्यों के लिए एलोकेट किया गया केंद्र सरकार में। और सवाल ये, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य, 24 करोड़ आबादी वाला राज्य है, और अचानक अगर इतने ज्यादा पेशेंट आ जाए, इतने ज्यादा संख्या बढ़ जाए, तो सरकार के पास इतना बड़ा हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर लेकिन जिस तरह से प्रदेश है, हुआ, तो इतने सांसद भी तो हैं, इतने विधायक भी तो हैं, ये कैसे भूल जाते हैं? बिल्कुल इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भर गए, मौतें बहुत हुई, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा प्रबंधन कैसे आंख में आग, आम जनता की आंख में डालकर कोई नेता कह सकता है क्या, बताइए मुझे? लेकिन जिस तरह का उसके बाद इस चीज को आने के बाद जिस तरह से हफ्ते 10 दिन जो लहर तगड़ी चली, उसके बाद सरकार ने उस पे एकदम हर जगह केसेस कम हो गए। नहीं तो हर जगह नहीं, तो भाई आप 4 लाख के ऊपर पूरे देश में आंकड़े चले गए, तो उत्तर प्रदेश में 38,000 आंकड़े थे एक दिन में, 38,000 बता रहा हूँ, तो अब 5,000 के नीचे आ गए। कम तो हर जगह हो गए ना, ऐसा तो है नहीं कि कंट्रोल करने का नतीजा कोई अजूबा हो गया। आज आप देखिए 20 शहरों में इस बात को कहते हैं कि कोई भी वायरस होता है वो एक बार पीक पर जाता है फिर नीचे आता है, तो जब नीचे आने लगा तो हर प्रदेश में आने लगा। अगर यहाँ पर नीचे अपने आप नहीं आता, उस पर अगर आप कंट्रोल करने का काम नहीं करते, कड़ाई नहीं करते, टेस्टिंग नहीं बढ़ाते, तो नीचे नहीं आता। और आज आप देख लीजिए कि राज्य में आ रहा अभी है, 2200 राज्य में आ रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां अभी भी केस बढ़ रहे हैं, ऐसा तो है ना कि 1 लाख के ऊपर केस चल रहे हैं। वहां के पिछले केसेस से अगर मुकाबला करिएगा तो हर जगह केसेस कम है। नहीं, केसेस कम है, लेकिन महाराष्ट्र को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, लेकिन संख्या एकदम नीचे भी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 24 करोड़ आबादी वाला राज्य, 38,000 केस यहाँ पर डे आते थे, वो घट के आज 5,000 के 3-4,000 पहुंचे। अच्छा, कितने नए केसेस की आप समझिए ना, एक्टिव केस जो है यहाँ पर। अच्छा मुझे बताइए, आरटीपीसीआर टेस्ट कितने इस प्रदेश में हो रहे हैं और कितने नए लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, मुझे बताइए जरा भाई। आरटीपीसीआर टेस्ट ये गांव में कितने नए लोगों के हो रहे हैं ये बताइए। इस तरह से सब जगह करवाने की फुल प्रूफ तैयारी है और सब जगह हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर वही बात, आंकड़े क्या कहते हैं? नहीं, आंकड़े ये कहते हैं कि आपने कितने नए लोगों की टेस्टिंग करवाई, ये तो बताइए आप। जैसे देखिए टेस्टिंग क्या होता है, एक टेस्ट किया, एक टेस्ट का क्या मतलब है? एक बार हमने टेस्ट कर लिया तो वो व्यक्ति नया था या फिर जो संक्रमित था आपने दोबारा उसका टेस्ट किया है, क्योंकि एक व्यक्ति दो बार टेस्ट तो जरूर करवाता है, क्योंकि एक बार संक्रमित होने वाला करवाएगा और एक बार अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो वो करवाएगा। तो ऐसे में अभी तक पूरे देश की अगर मैं बात करूं, कहा जा रहा है कि 32 करोड़ से ज्यादा हमने टेस्टिंग, 32 करोड़ लोगों की टेस्टिंग नहीं कर ली हम लोगों ने, 32 करोड़ टेस्ट किए हैं, यानी कि 32 करोड़ में अगर एक व्यक्ति ने दो बार तो टेस्ट करवाया ही होगा, यानी कि 16 करोड़ जनसंख्या को आप अभी टेस्ट कर रहे हैं। अभी ये आपकी बात से नहीं सहमत है कि दो दो बार टेस्ट कराया, नहीं, कुछ लोग तो 3 बार 4 बार 5 बार टेस्ट करवाते तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। वो 10-20% लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि दो दो बार एक ही आदमी ने दो दो बार टेस्ट कराया तो ऐसा भी नहीं है। एक आदमी दो बार करवाएगा, एक बार पॉजिटिव आएगी, एक बार पॉजिटिव, लेकिन वो कहिए फिर दोबारा टेस्ट करवाएगा, वो ठीक है नेगेटिव कराएगा, लेकिन आप ये कहिए कि कुछ दिनों के बाद वो फिर कोरोना का टेस्ट कराए, ऐसा भी नहीं। अरे नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद एक बार पॉजिटिव वाला टेस्ट हुआ, हाँ उस बार नेगेटिव का हुआ, बिल्कुल हुए टेस्ट ना, बिल्कुल नेगेटिव वाला टेस्ट हुआ ना। नहीं तो नए टेस्ट की बात करिए कि नए टेस्ट, नए लोगों, कितने नए लोगों का टेस्ट कर रहे हैं सरकार, इसका आंकड़ा देना, कौन सी वेबसाइट पर ये आंकड़ा? नए लोगों को भाई स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हमेशा इसकी प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, इसको भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको बताया जाता है, और इस तरह का वीके पॉल इसको बैठ के बताते हैं इस दिन कितने टेस्ट किए, ये नहीं बताया जाता हमने कितने नए लोगों के टेस्ट कर लिए हैं, ये कभी जानकारी नहीं दी जाती है। एक बार चाहिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है शबनम जी? देखिए कितने नए लोगों का टेस्ट कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे सरकार की आलोचना करनी है या फिर नीतियों से मुझे कोई जलन है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश का नागरिक अगर स्वस्थ रहेगा तभी हम सारी व्यवस्थाएं चला पाएंगे, आपकी राजनीति भी तभी चमकेगी, मैं पत्रकार होने के नाते उनकी कमियों को आपके सामने रख पाऊंगा और सुधार हो पाएगा उसमें, लेकिन हमको जब पता ही नहीं होगा, हमको सिर्फ भ्रमित किया जाएगा। अरे कितने नए लोगों का टेस्ट हो रहा है इस प्रदेश के अंदर ये तो कोई बताए। आप ठीक है बैठ के कर रहे हैं 300 पार 400 पार करते रहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बताइए ना कि व्यवस्था क्या है, असल व्यवस्था क्या है?
हिमांशु जी, मैं दो तीन बातें जो सुन रही थी उस पर बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपने कहा कि प्रदेश में कोई प्रबंधन नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो नहीं हुआ, मैंने कहा जो प्रबंधन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जब प्रबंध करना चाहिए था तब नेता जाकर भाषणबाजी दूसरे राज्यों में कर रहे थे। मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कुछ भी प्रबंध नहीं हुआ। देखिए हिमांशु जी, ये निश्चित तौर पे कहूंगी कि प्रबंधन में कुछ कमियां रह गई थी, और वो कमियां हमारे ही प्रदेश में नहीं, अगर विश्व के किसी कोने में एक शक्तिशाली देश में भी जाके आप देखते तो कोरोना के प्रबंधन में जिस तरीके की कमियां रही। लखनऊ में रहता हूं मैं, यहां की परिस्थितियों का जिक्र करूं। नहीं, आप बात करेंगे लेकिन लखनऊ में कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में आके कहेगा नहीं नहीं हम उत्तर प्रदेश में वैसा संक्रमण नहीं करेंगे जैसा अमेरिका और फ्रांस में किया और इटली में किया। इस बार हिमांशु जी, जिस तरीके का कोरोना वायरस रहा, जो इंडिया में जो म्यूटेट होके जो स्ट्रेन आया उसका संक्रमण 70% से ज्यादा था, जिसका कि मेडिकल फर्टिलिटी ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी। वो बार बार चैनल्स पे यही कहते रहे, हमने संक्रमण दौर आने का, सेकेंड वेव आने का सोचा था, पर संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ेगा ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। और अब दो दिन पहले, अच्छा सुनिए, नहीं हमारी तैयारियां क्या थी, नहीं हमारी तैयारियां क्या थी, मैं इसका जिक्र करूं। स्वास्थ्य मंत्री अभी निकलकर आए, नहीं स्वास्थ्य मंत्री अभी निकलकर आए, उन्होंने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी निराधार बातें कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर तंज कसने के लिए उनके पास समय है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख लेते, इस बात का जिक्र नहीं है उनके उनके मुंह पर। टीम 9 में उनकी क्या जगह है जरा मुझे बताइए, उन्होंने कितनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है जरा इसके बारे में बताइए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी क्या सिर्फ इसलिए है? हिमांशु जी पहले मुझे पूरी बात रख लेने दीजिए। आप दिल्ली की बात करते हैं और आप आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं तो इस दौरान आम आदमी पार्टी निराधार बातें कर रही है उत्तर प्रदेश में। तो दिल्ली के जो वो उन्होंने साइट बनाया है, ऐप बनाया हॉस्पिटल्स का, उसमें सीट्स खाली दिखाते थे, और मैं खुद इसकी गवाह हूं कि लोगों को मैंने कहा यहाँ सीट खाली आप जाइए, और वहां जाने पे हमारा पेशेंट खड़ा रह गया, मर गया वहां पे पेशेंट। यहाँ भी यही हुआ, उनका खाली सीट, यहाँ भी यही हुआ, यहाँ कुछ अलग परिस्थितियां नहीं थी ना मैम? देखिए हमने कोई धोखाधड़ी नहीं किया कि यहाँ पे दिखा रहे सीट खाली और जनता जनता को बेवकूफ बनाया। तो यहाँ भी नहीं रहा था, आपने ऐप बाद में बनाया, चलिए ठीक है। देखिए बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे थे, आ रहे थे, व्यवस्थाएं नाकाफी थी, ये भी मैं मानती हूँ, इससे कहीं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन यही व्यवस्थाएं अगर आप कहते हैं चुनाव में जाने से उत्तर प्रदेश में है तो महाराष्ट्र में ऐसा क्यों रहा, राजस्थान में ऐसा क्यों रहा, पंजाब में ऐसा क्यों रहा, दिल्ली में ऐसा क्यों रहा? कि हम कुछ लोगों की जान बचा सकते अगर हमारा पूरा ध्यान कोरोना पर होता, मैं सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। हमने जानते अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन ये संक्रमण बहुत ही तेजी से फैला, थोड़ा सा नहीं, अगर हम चुनाव में ध्यान ना भटकाते। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा प्लीज मुझे बताइए शबनम जी, प्लीज मुझे बताइए और सही बात करिएगा, एक प्रवक्ता होने के नाते बात नहीं, अगर हम अपना पूरा ध्यान कोरोना पर लगाते एज अ गवर्नमेंट, तो क्या हम बेहतर काम नहीं कर पाते? हम क्या कुछ भटके नहीं, क्या हम चुनाव करवा रहे थे या फिर चुनाव में हम व्यस्त थे? देखिए अगर चुनाव कराने से केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा होता तो मैं निश्चित तौर पे कहती, पर यहाँ के नेता, यहाँ के नेता, अच्छा मुझे बताइए, एक मोहल्ला है पूरा, उस मोहल्ले में आपके घर में किसी को तकलीफ है, सबके घर में तकलीफ है कोरोना को लेकर, मान लीजिए सबके घर में तकलीफ है, आपके घर में भी तकलीफ है, आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो दूसरे के घर चले जाएं और वहां जाकर व्यवस्थाओं का आकलन करने लगे कि हम आ जाएंगे तो हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन अपने घर पर ना झाकें, तो ये गलत है कि सही है? किसने कहा कि इन्होंने व्यवस्थाओं को अपने घर में नहीं देखा? उत्तर प्रदेश के ध्यान भटकाना तो यही है ना, दूसरे के घर में जाकर व्यवस्थाओं को देखते रहे, यहाँ तक कि संक्रमित होने के बाद भी देखते रहे। प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ सारा काम करते हैं, तब दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जानबूझ के मुख्यमंत्रियों ने लोगों की लाशें निकालते रहे क्या? नहीं तो उत्तर प्रदेश, अगर आप कहते हैं उत्तर नहीं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में केसेस कम हो गए तो महाराष्ट्र और दिल्ली में भी तो केसेस कम हो गए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के में इतनी आबादी होने के बावजूद भी महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर है। आबादी क्या होता है, 80 सांसद हैं, 400 से ज्यादा विधायक हैं,
आबादी क्या होता है, उस हिसाब से आपके नेता भी तो हैं, उस हिसाब से आपको पुलिस मिली हुई है, उस हिसाब से आपको स्वास्थ्य कर्मी मिले हुए हैं, प्रबंधन उसी हिसाब से होता है, जनसंख्या का यहाँ जिक्र करना बेकार है। पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन का घनत्व, आप जनसंख्या की घनत्व ज्यादा होगा वह संक्रमण ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों की तो आपकी तैयारियां भी ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर तो तैयारियां बहुत की गई थी, इसीलिए गांव-गांव पहुंच गया कोरोना, इसीलिए गांव-गांव पहुंच गया। अगर आप इस बात को कहते हैं तो पहले अमेरिका और इटली फ्रांस जिनकी व्यवस्था के आगे भारत बौनी होती है, वहाँ क्यों लोग मरते चले गए, वहाँ क्यों धराशाही हो गई व्यवस्था, नहीं वहाँ धराशाही हो गई, वो वहाँ के नागरिक वहाँ की सरकार से पूछेंगे, हम तो अपनी सरकार से पूछेंगे ना। आने की बात करेंगे कि अगर अमेरिका में इतना हुआ, इटली में इतना हुआ, वो तो हमसे स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत आगे थी, हम तो उनके सामने बौने हैं, तो हम आपके लिए तालियां बजाएं, नहीं संभाल सके तो हम आपके लिए तालियां बजाएं। हमने तालियां बजाने की बात नहीं की, हम खुद कहते हैं कि हाँ हमारी व्यवस्थाएं हमने बहुत की, लेकिन वो भी ना काफी हो गई, क्योंकि ये संक्रमण ज्यादा था और अच्छा कर सकते, देखिए मैम एक मिनट था शबनम जी, देखिए एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा है सरकार से, इसलिए सवाल भी ज्यादा है, हम ये चाहते थे कि नहीं देखिए ये आलोचना नहीं है, इसे आलोचना के तौर पर मत लीजिए, ये सुधारात्मक रवैया होना चाहिए, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि सरकार से हमारी एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा हैं। योगी सरकार अगर सिर्फ योगी आदित्यनाथ काम करते रहेंगे, हर जगह योगी आदित्यनाथ के फैसले लिखे रहेंगे, तो फिर हमको लगेगा कि और लोग आराम फरमा रहे हैं, और लोग भी अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे उनका नाम भी छपेगा, वो भी मदद करते हुए दिखाई देंगे, कहीं पर अपना काम करते हुए फैसले लेते हुए दिखाई देंगे, तो हमको लगेगा कि हाँ पूरी सरकार काम कर रही है, हमको ये एक्सपेक्टेशन है, हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, एक गरीब आदमी जो झोपड़पट्टी में रह रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री के चेयर पर कौन बैठा है, मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं, कहां पर कितने लोग कहां पर प्लेसेस हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हमारी चीजें डेवलप ना हो पाए, हमको कहीं पर कमी महसूस होने लगे, और सरकार से हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी है, 300 सीटें आपको एक्सपेक्टेशंस के ही सहारे मिली हैं, तो ऐसे में हमारी एक्सपेक्टेशन जब ज्यादा है तो हम हर छोटी चीज पर सवाल करते हैं, और करना भी चाहिए, मैं इसे गलत नहीं मानता। हिमांशु जी, अगर जनता की और आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो इसका मैं स्वागत करती हूँ, किसी भी सरकार से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता की सुविधाएं और समस्याओं का निदान करने के लिए ही आती है। लेकिन आप कहते हैं बार बार अखबार में छपता मंत्रिमंडल के और लोग काम करते, सभी लोग काम कर रहे थे, मैं तो एक अदना सी कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, लेकिन मैं लगातार 14-14 घंटे मैंने काम किया, लोगों की मदद की है, और कहीं फेसबुक से लेके सोशल मीडिया से लेके कहीं भी मेरा कहीं एक नाम मैंने नहीं डाला, तो इसका मतलब कि काम का आकलन केवल नाम से हो, बार बार टीवी में दिखा तो हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए और अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए, जिसे कि बखूबी लोगों ने किया। अभी छोटा सा मामला बताऊं, कल टीवी चैनल्स में बहुत चल रहा था, आज भी चल रहा है, लखनऊ का एक परिवार है, आसपास एरिया में रहता है, 8 लोग उस परिवार के मर गए, लेकिन आज ना कोई नेता मंत्री संगठन कोई भी एक आदमी नहीं पहुंचा कि उनकी सुध ले लेता जाके कि आखिरकार 8 लोग एक परिवार से, 4 भाई एक साथ मर गए, कोई सुध लेने नहीं पहुंचा, और ये पिछले 1 महीने में हुआ, और हम कह रहे हैं कि हमने सबकी सुध ली, नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो छोटा सा काम है, हमको और बड़े ब्रॉड स्तर पर काम करना होगा, सबको पूरी मशीनरी को लगना होगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? इसमें कहीं दो राय नहीं, देखिए मैं आपकी बात से बार बार आपको ये कह रही हूँ, जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितनी भी सेवाएं थी, सब बौनी पड़ गई थी इसके संक्रमण के आगे, और मैं इस बात से कहीं इनकार नहीं कर रही कि जनता बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हुई, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, मैं तो पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, और इसको अगर हम कहीं कह दें कि नहीं केवल महाराष्ट्र में हुआ तो वो मैं भी गलत कहूंगी, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु कंट्रोल में आई है, तो फिर हम फिर से चुनाव की तरफ मूव ऑन हो गए हैं, अब सारा ध्यान हमारा चुनाव की तरफ चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा ध्यान चुनाव की तरफ जाएगा और हम फिर से वही स्थिति क्रिएट कर देंगे, थर्ड वेव की भी आशंका है इस देश के अंदर।
हिमांशु जी इस बात को पूरी जनता जानती है भारत की और विश्व की पूरी जनता जानती है और भारत की विशेषकर कि तीसरा वेव भी आने को है, सरकार भी उसकी तैयारियों में लगी हुई है, इस बात को लगातार आप देख भी रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जीवन के और भी जो पहलू हैं वो रुक नहीं जाते, थम नहीं जाते पूरे टाइम के लिए, उस पर भी काम चलता रहता है। अगर चुनाव है तो चुनाव भी होगा और साथ साथ अगर आर्थिक तौर पे बंदी हुई है तो वो भी खुलेगा। और आपने देखा कि आज कुछ जगहों पे उत्तर प्रदेश में अच्छी बात कम है, से कम अच्छी बात है, कोरोना थोड़ा कंट्रोल में आया है, ये भी अच्छी बात है। और सरकार ने जो काम किए उसके लिए मैं हमेशा आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन गलत जगह पर मैं सवाल जरूर पूछता हूँ। मेरा काम सुधारात्मक रवैया है कि आपके अंदर सुधारात्मक रवैया है, मेरा काम सिर्फ इतना सा है। विवेक जी देखिए, सरकार ने बहुत सारा काम किया है, विपक्ष ने भी बहुत सारा काम किया है, मैं ऐसा नहीं कहता कि विपक्ष ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, विपक्ष ने भी किया होगा, विपक्ष की भी जिम्मेदारी यहाँ के नागरिकों के लिए है। लेकिन चुनाव और चुनाव की तैयारियां हम सिर्फ इसी में व्यस्त रहें, एक दूसरे पर तंज कसते रहें और नागरिकों की बात भूल जाएं, तो फिर ये गलत बात है। कितना सहमत है विवेक जी? विवेक जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? ठीक है पंकज जी, आप क्या कहेंगे कि चुनाव होना अच्छी बात है, ठीक है, लोकतंत्र का एक पर्व है, हम मनाएं, अच्छी बात है, बिल्कुल पर्व मनाना चाहिए। अभी पंचायत चुनाव भी हमने मनाया है, इससे पहले हम 5 राज्यों के चुनाव भी मना रहे थे, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए कि पता चला अव्यवस्थाओं के दौर में हम चुनाव करवा रहे हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं, वो मास्क नहीं लगाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मीडिया को देखना नहीं है, सिर्फ हम लोगों को देखना नहीं है, ये सरकार को देखना है, प्रबंध उसको करना है। हम तो कैमरा लेकर जो नेगेटिविटी है उसको दिखा सकते हैं कि ये नेगेटिव काम हो रहा है, अब इसको सुधारिए भाई, लेकिन वो कमी है आपकी, उसको सुधारना पड़ेगा। देखिए चुनाव एक सतत प्रक्रिया है और वो एक तयबद्ध समय पे होते हैं और उसके बिना उसी पे आधार पे सरकारों का चयन होता है, तो वो भी एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन इसमें नैतिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बन जाती है, राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग को इसमें कड़े डिसिप्लिनरी एक्शन लेने चाहिए और चुनाव आयोग को गाइडलाइन पास करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जिन राज्यों में चुनाव होता है या जहां भी जिस तरह के भी चुनाव होते हैं तो वहां चुनाव आयोग ही सर्वोसर्वा रहता है, सर्वे सर्वा रहता है और उसकी गाइडलाइन पे ही सारे लोग अनुपालन करते हैं, चाहे सारे प्रत्याशी हो, चाहे जनमानस हो, चाहे जनसभा हो, चाहे जो सारे राजनीतिक दल उसी के अनुसरण पे चलते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ जो भी सरकार है जहां भी चुनाव हो रहे हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की हो जाती है और चुनाव आयोग इलेक्शन कमिश्नर को इस पे एक तय गाइडलाइंस के साथ चुनाव कराना चाहिए और इन बातों को देखना चाहिए। अभी देखिए कोरोना की तीसरी लहर आने की भी बात कही जा रही है और आगामी 7-8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव बड़े आसन्न है, तो ये एक देखिए उस लिहाज से चुनाव आयोग को अपनी फुल प्रूफ तैयारियों के साथ एक नई दिशा निर्देश के साथ चुनाव अगर होते हैं और किसी प्रकार का कोई इंसिडेंस न हो तो उसको देखते हुए इस तरह की फुल प्रूफ तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यही तो है, हम यही तो देख रहे हैं, अभी चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, आयोग की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम अब गाइडलाइंस बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं, चुनाव हो गए, कितने लोग मरे कितने लोग नहीं मरे इसको लेकर जो आंकड़ा निकल के सामने आना चाहिए था, जो संगठन है वो कुछ और कह रहा था, जो शिक्षक संगठन है इतनी मौतें हुई सरकार बताई नहीं, 3 हमारी पुरानी गाइडलाइंस है। अरे भाई जब तैयारियां करनी चाहिए थी तब पता नहीं क्या कर रहे थे, बिल्कुल सही और कह रहे हैं। अब कह रहे हैं जब चुनाव हो गए लोग मर गए तब आप गाइडलाइन बना रहे हैं, अरे तो जब तैयारियां करनी तब क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उसका उसको सर्वाधिकार प्राप्त है और वो किसी सरकारों के अंडर में नहीं आता, तो उसके जो कमिश्नर है उनकी उनका जो तंत्र है, उनका जो पूरा सिस्टम है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है जैसी गाइडलाइन देंगे उसी का अनुपालन सारे राजनीतिक दल करेंगे, चाहे क्षेत्रीय दलों चाहे राष्ट्रीय दलों सभी करेंगे, तो उनको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। इसीलिए देखिए कई हाईकोर्टों ने उनके ऊपर तंज भी कसा, उनको उनके ऊपर कितनी चीजें कही गई, तो इसलिए चुनाव आयोग को इस पे व्यापक ध्यान देने की जरूरत है और आगे भी हिंदुस्तान में चुनाव होते रहेंगे, चुनाव आयोग को इसमें सुधार की जरूरत है। मेरा तो ये सुझाव है कि इस डिबेट के माध्यम से कि चुनाव आयोग को इस पे फुल प्रूफ तैयारी रखनी चाहिए, कभी भी कोई भी समय कोई भी आपदा आ सकती है, आज ये महामारी है वो चलिए ठीक है, इसके अलावा अन्य भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज घटना घटित हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए प्लान बना के चलना चाहिए, क्योंकि आप सर्वे। विवेक जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल
बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। विवेक जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि देखिए लोकतंत्र है, चुनाव तो होंगे ही, तो ये आम नागरिक का लोकतंत्र रहे, ये चुनावी लोकतंत्र ना हो जाए, हर कोई चुनाव की ही चर्चा ना करे, अपने संगठन को मजबूत करने का ही जिक्र ना करे, हमको जो परिस्थिति है उससे बचते हुए, यानी कि कोरोना से बचते हुए अगर चुनाव करवा रहे हैं, करवाइए, बिल्कुल लोकतंत्र का जश्न बिल्कुल मनाइए, लेकिन आम आदमी के आंसू पर ये जश्न ना हो, कम से कम इतना ध्यान रखा जाए, सत्ता हो या विपक्ष, सभी से ये अपेक्षाएं रहती हैं। कोई बहुत सारे देखिए ऐसे प्रमाण है जिसपे कि मैं ये कहूंगा कि जो आपने एक अंतिम वक्तव्य दिया है कि आंसुओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो आप, मुझे लगता है कि इसको मुझे प्रमाणित करने की एक विपक्ष के तौर पे इसकी आवश्यकता नहीं है, वो प्रमाणित इन्होंने स्वयं किया है। दूसरा, जो हमारे पत्रकार महोदय, जो आपसे थोड़ी देर पहले मैं निवेदन कर रहा था, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी आप तक, कि ये एक तरह से आरएसएस की तर्ज पे काम करते हैं, तो पत्रकार लेकिन भाजपा के प्रचारक बनके चले जाते हैं। मैं किसी पे उस पर नहीं काम करता हूं, और आज आपकी विचारधारा है, में चले जाएंगे तो आपकी विचारधारा नहीं लगी है, पत्रकार होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा दिशा निर्देश है, जो मेरे सुझाव है, और एक वरिष्ठ होने के नाते कई दशक से पत्रकारिता करने के साथ, ये मेरे अपने सुझाव और मेरा अपना आकलन है कि मैं अपनी ये बात आपके सामने रख रहा हूँ इस डिबेट के माध्यम से, जनमानस के माध्यम से, लेकिन ये आप कहिए कि नहीं कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा कब, ये नहीं चलेगा, ये चीज नहीं है कि पत्रकार है तो पत्रकार खाली आलोचना करने के लिए। आप WHO की प्रमाणिकता को सिद्ध करते हैं, डॉक्टर नवजोत दाहिया जो आपके IMA के डायरेक्टर थे उनको आप भूल जाते हैं, सीनियर वायरोलॉजिस्ट को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इतने बड़े बड़े जब अधिकारियों ने इस्तीफा दिया उसके पीछे कारण क्या है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, लेकिन वो आप कभी नहीं बताएंगे अपने मुंह से। नहीं चलिए, कौन क्या बताता है, लेकिन सवाल यही है कि आम नागरिक, मैं हमेशा आम नागरिक, गरीब नागरिक का जिक्र करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जुड़ने के लिए, शबनम जी, विवेक जी, पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मैं हमेशा आम नागरिक का जिक्र करता हूं, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में जो आम नागरिक, गरीब नागरिक रह रहा है, उसका जो हक है वो उसे मिल पाए। ये चुनाव होते रहेंगे, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पैसे बहुत सारे बहाए जाएंगे पानी की तरह, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में हमेशा काम अगर हो लोकतंत्र में तो आम नागरिक के लिए हो, उसके मद्देनजर हो, उसके हक उसको मिलते रहें, उसके बाद कोई राजनीति करे या फिर कोई कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक निवेदन मेरी सरकारों से यही है, या फिर जो विपक्ष में बैठे हैं उन लोगों से भी, कि आम नागरिक के बारे में सोचिए, कोरोना से जो परिस्थितियां उनसे लड़िए, बाकी राजनीति अपनी जगह है उसको भी करिए, संगठन में बदलाव, सरकार में बदलाव, वो सब चलते रहते हैं। फिलहाल के लिए इसी उम्मीद के साथ कि और बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, कोरोना की हम जंग जीतेंगे और आम नागरिक भी अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।